करीब 15 दिन पूर्व बहरोड में व्यापारी से हुई 4.5 लाख रुपए की लूट के आरोपियों को अभी तक गिरफ्तारी न होने के चलते आज बहरोड में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित व्यापारियों ने थाने पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय यादव के नेतृत्व में चल रहे प्रदर्शन में पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस को 10 दिन का समय दिया गया। तो मैं फिर आप लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, हमारे सारे कांग्रेस पार्टी साथ ही सब लोग करेंगे, पर मैं यूथ कांग्रेस पर फिर कहना चाहता हूँ, अगर नहीं किया तो हम बहरोड बंद करेंगे और बहरोड बंद के साथ साथ हम आंदोलन आंदोलन अनशन पर बैठ जाएंगे, गिरफ्तार नहीं करेंगे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस में काफी धक्का मुक्की भी हुई। यहां मौजूद डीएसपी जनेश तंवर ने आश्वासन दिया कि पुलिस लुटेरों को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, उम्मीद है कि जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। व्यापारी लूट के मामले में हम बहुत जल्दी ही आरोपियों को पकड़ लेंगे। हमारी तफ्तीश में बिल्कुल नजदीक है, लेकिन अब उनका भी कंट्रोल वाजिब है, लेकिन हम इतना ज़्यादा अब इसको लगभग नजदीक है कि हमने आश्वासन दिया है। अभी अज्ञात है, इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि बाद कितना टाइम लगेगा। तो उनका अधीर होना तो वाजिब है, लेकिन कानून के हिसाब से काम सारा कानून के हिसाब से करना होता है, इसलिए अभी उसी पर काम चल रहा है। एक SHO दिल्ली गुड़गांव इसी काम के लिए भेजे हुए हैं, गाड़ी के स्केच के लिए, और आरोपी का स्केच के हिसाब से भी हमने 2-3 दिन में बाहर रवाना कर दिया, जल्दी ही आरोपियों को। जो मंडी में लूटपाट हुई थी उसके खिलाफ अब तक अपराधी पकड़े नहीं गए, उसको लेके आज हम आए थे, क्योंकि जब थाना आम लोगों के लिए बना है, थाना में सुरक्षा मुहैया कराता है, जब हमारी सुरक्षा मुहैया नहीं करा रहे तो आज हम लोग ताला लेके आए थे और इनके गेट पे ताला लगाना चाहते थे, पर पुलिस प्रशासन ने हमें यहाँ रोक लिया। हम शांतिपूर्वक बैठे, DHP साहब से हमारी वार्ता हुई, हम चाहते हैं जल्दी जल्दी अपराधी पकड़े जाएं, और आज हम लोगों ने 10 दिन का अल्टीमेट फिर दिया है। हमने चेतावनी दी है, अगर 10 दिन के अंदर अपराधी गिरफ्तार नहीं होते तो पूरी कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस पार्टी, सब लोग हम साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। अगर 10 दिन के बाद नहीं हुआ, हम रणनीति बनाएंगे, बहरोड बंद करेंगे। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, युवा कांग्रेस में अध्यक्ष होने के नाते में संजय यादव आमरण अनशन पे बैठेगा, जब तक नहीं उठूंगा, जब तक भूख हड़ताल पे रहूंगा, जब तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर लेंगे।